व्हाट इज अप यूट्यूब। तो मेरा नाम है प्रतीक, आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद पीजे। चलिए साइकिलिंग करते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आप लोगों को दिल से शुक्रिया और थैंक यू, क्योंकि लास्ट कुछ व्लॉग्स में मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। व्यूज भी ठीक ठाक आ रहे हैं, लाइक्स भी सही है, व्यू मिनट भी ठीक ठाक आ रहा है। तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए कंटिन्यूसली मैं सोच रहा हूँ ऐसे व्लॉग्स बनाता जाऊँ साइकिल का और हिमालयन के ऊपर। यहाँ आसपास घूम के आपको दिखाऊँ और कैसे मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ लॉकडाउन में वही दिखाऊँ, क्योंकि फ़िलहाल तो बाहर जाके एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं है और व्लॉग्स बनाना भी पॉसिबल नहीं है। तो यही सब कंटेंट आएगा, कोशिश करेंगे जितना अच्छा व्यूज़ आपको दिखा पाए, अच्छा कंटेंट दे पाए। अगर आपको कुछ भी चाहिए कि किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम में बता सकते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो कोशिश करेंगे बनाने के लिए। तो ऐसे ही सपोर्ट करते जाओ। और इस जगह में मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये रिवर महानदी का बेड है, तो यहाँ कैसे पहुँचा वो पार्ट आप पहले देखो। चलो रोड के उस साइड में रिवर महानदी, यहाँ पे मेरा साइकिल, और ये आपको शायद दिख रहा होगा 11 मिनट्स टाइम दिखा रहे हैं और डिस्टेंस दिखा रहे हैं 3.1 किलोमीटर, जो कि मैंने मेरे घर से कवर किया है। और ये रहा मैं यहाँ पे, कटक का एक फेमस लोकेशन है डियर पार्क करके, तो वहाँ तो देखो आप लोग यहाँ पे कितने डियर्स है वहाँ पे, दूर में वहाँ पे और यहाँ पे है। यहाँ पे पास में यूजुअली होते हैं, लेकिन अभी शायद कोई आता नहीं इसीलिए दूर में है। तो भाई धूप देख रहे हो, 8:30 के लगभग हो चुका है, तो आज थोड़ा गलत टाइम में निकले। सुबह उठा तो बादल पूरा भरपूर था, बारिश जैसा लग रहा था, तो इसीलिए सोचा कि और थोड़ा सो जाते हैं। उसके बाद फिर जब उठा तो ये हालत था, पूरा धूप। दूर में हालांकि बादल है, और मेट डिपार्टमेंट ने बोला है कि लो प्रेशर हुआ है तो बारिश होगा, तो इसीलिए शायद धूप निकल आया। मॉनसून के कारण पूरा ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो ये जो रोड है, ये रिवर महानदी जो राइट साइड में है उसके साइड वाला रोड है, जो कि चौहटा को जाता है। मैं अभी जिस जगह को जा रहा हूँ तो यही है। पैडल अब तो सही चल रहा है, कुछ दिक्कत नहीं दिया है अभी तक, देखते हैं और थोड़ा चला के क्या होता है। 4-4.5 किलोमीटर चला चुके हैं आज। तो अगर आपको मडगार्ड लेना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सबका ऑलमोस्ट सेम मडगार्ड आता है, मैक सिटी बिटवीन सब में लगेगा मडगार्ड, तो कोई इशू नहीं है। तो बहुत लोगों का कंप्लेंट था कि मैं हेलमेट क्यों नहीं पहन रहा हूँ, साइकिलिंग हेलमेट। तो देखो भाई, जब से साइकिल खरीदा है तभी कभी चांस ही नहीं मिला खरीदने के लिए, क्योंकि शॉटडाउन लॉकडाउन तो ये सब का सिलसिला चल रहा था, और इंटर स्टेट ट्रैवल भी पॉसिबल नहीं था। तो मेरे यहाँ पर डिकैथलॉन जो है भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो जाना पॉसिबल नहीं था, और ऑनलाइन भी कुछ खास नहीं लग रहा था मेरे को, टाइम लग रहा था बहुत चीज़ डिलीवर होने के लिए। तो अभी फाइनली हेलमेट ऑर्डर कर रहा हूँ, तो अगले 1 वीक 10 डेज में तो 2-3 ब्लॉग्स आप बेयर कर लो विदाउट हेलमेट, तो पक्का 10 दिन के बाद हेलमेट के साथ ही साइकिल चलाएंगे और ब्लॉगिंग करेंगे। सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारे लिए। तो हिमालयन में भी देखे होंगे हेलमेट हमेशा पहनते हैं, तो वही बताना चाह रहा था, क्योंकि बहुत कमेंट्स आए कि हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे हो। तो जल्दी आ रहा है हेलमेट।
भाई देख पा रहे हो, पूरा पसीने से टपक रहा हूँ। सच में बहुत गर्मी है आज। और ये जो लास्ट वीडियो में बोला था गोप्रो का प्रॉब्लम, तो वो फिर से आ रहा है, फिर से फॉग जैसा हो चुका है लेंस के चारों तरफ। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। ये बहुत गर्मी भाई, बहुत गर्मी। तो भाई साहब आ गए फाइनली, एक अच्छा साइकिल लेन मिल गया हमको। तो ये जो ब्रिज देख रहे हो, ये मधुसूदन सेतु है, ठीक रिवर महानदी के ऊपर, कटक को कनेक्ट करता है कटक के दूसरे पार्ट से। फॉर एग्जांपल ये रोड से आगे जाओगे तो आप धौबड़ेश्वर जा पाओगे, जो कि शिवजी का एक टेंपल है। हैंगिंग ब्रिज भी है, वो भी वीडियो में कभी बनाऊंगा, फिलहाल ये वायरस ख़त्म होने दो। तो ये कुछ लग रहा है साइकिल लेन में चला के, बहुत अच्छा लगा। वो रोड पे चला चला के पक गया था, पूरा धीरे धीरे साइड में चलाओ, देख के गाड़ी आ रहा है पीछे से, कोई हॉर्न मार रहा है, तो अपना एक डेडिकेटेड साइकिलिंग लेन में चला के अच्छा लग रहा है। लेकिन शायद ज़्यादा साइकिलिस्ट लोगों को पता नहीं है, क्योंकि बहुत लोग साइकिल में जा रहे हैं लेकिन ये साइकिल लेन नहीं रह रहे, मेन ब्रिज में जा रहे हैं। देखो आप फॉर एग्जांपल, ये जो भैया आ रहे हैं ये साइकिलिंग लेन में नहीं है, नॉर्मल लेन में है। हालांकि मेरे को भी कंफ्यूजन लग रहा था। तो डिस्टेंस अपडेट, डिस्टेंस अभी तक 9.8 किलोमीटर्स और एवरेज स्पीड दिखा रहा है 16.7 किलोमीटर्स ऐप में। तो मैं आके पहुंच चुका हूं यहां पे, मधुसूदन सेतु करके है, मैंने इसमें एक वीडियो भी बनाया था जब ये नया नया बना था। तो वहां पे देख पा रहे हो महानदी, क्लाउड्स, बढ़िया सा ब्रिज, और यहां पे मैं अपने मैक सीडी के साथ। तो वहां दूर आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा इसमें, तो वहां पे हैंगिंग ब्रिज है, धवलेश्वर करके एक शिव जी का टेम्पल है, तो वहां भी जाके कभी व्लॉग बनाएंगे। और यहां पे नीचे जो देख रहे हो, मैंने जो साइकिलिंग लेन लिया तो उसके साइड में एक रोड है जिसमें आप नीचे आ सकते हो अगर ऑफ रोडिंग वगैरह करना है। मेरा साइकिल हालांकि ऑफ रोडर नहीं है, लेकिन मेरा मोटरसाइकिल जो है रॉयल इनफील्ड हिमालयन, तो वो ऑफ रोडिंग के लिए बहुत सही है। तो वहाँ पूरा ब्रिज के एंड से दूर से नीचे आना पड़ता है, वहाँ पे सब बालू वालू सब है, घुस के आना पड़ता है। मैं इधर तक गाड़ी लेके आया हूँ, शायद एक महानदी रिवर का फोटो भी मैंने इंस्टाग्राम में डाला है, आप देख पाओगे पुराने पोस्ट में ये जगह का। तो होप कि आपको टाइम लैप्स पसंद आया होगा, बहुत टाइम रुक के बनाया है यहाँ पे। और एक चीज़ बताना भूल गया था, तो देखो जब मैं घर से निकला था तो ये मेरे को मिला, यहाँ पे भी है, और ये जो है ये बिल्ली का स्क्रैच मार्क है। तो मेरे मोटरसाइकिल के सीट में मैंने एक एक्स्ट्रा सीट कवर डाला था ताकि बिल्ली स्क्रैच वगैरह ना करे, लेकिन इसमें डालना भूल गया था, तो स्क्रैच ऑलरेडी हो चुका है। तो देखते हैं इसका कुछ जुगाड़ करते हैं, उसके ऊपर सीट कवर डालेंगे या फिर वो जो सिलिका जेल वाला एक्स्ट्रा सीट है वो डालेंगे, देखते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। तो साइकिल चलाते चलाते ओके बिजू पटनायक पार्क में पहुंच चुके हैं, बिजू पटनायक उद्यान जो कि अभी क्लोज है। तो ये रहे बिजू बाबू जिनका स्टैचू है। तो बिजू बाबू को अगर आप नहीं जानते तो वो अभी हमारे करंट सीएम नवीन पटनायक जी के पिताजी है, जो ओडिशा से थे, तो बहुत कीर्ति है उनका, बहुत काम किए हैं, मतलब एडवेंचरस काम। तो इंडोनेशिया का उनको भूमिपुत्र भी बोला जाता है, जो कि मैंने बाली यात्रा के ऊपर एक वीडियो बनाया था उसमें मेंशन किया था, तो वो वीडियो जाके देख लेना क्यों उनको भूमिपुत्र बुलाया जाता है। तो यही, तो आज बहुत दिन के बाद अच्छा लग रहा है इतना साइकिल चला के, लगभग 12 किलोमीटर्स चला चुका हूँ। कंटिन्यू करते हैं साइकिलिंग जर्नी। तो भाई पूरा रिवर के करीब आ चुके हैं, रिवर बेड में ही चल रहा हूँ मैं। थोड़े दिन के बाद आप ये जो देख रहे हो लेफ्ट साइड में पानी है और यहाँ पे राइट साइड में पानी है, तो ये पूरा भर्ती हो जाएगा।
तो ये जो रोड पे मैं चला रहा हूँ वो भी भर्ती हो जाएगा। तो बारिश अभी ठीक से शुरू नहीं हुआ है, फिर भी इतना पानी देखो। रिवर महानदी, मैं बार बार रिवर महानदी बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग सोचेंगे एक ही चीज़ को बार बार क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये मेरे होम टाउन कटक का स्पेशलिटी है। तो यही एक रिवर है जो मेरे होम टाउन को थोड़ा निराला और ब्यूटीफुल बनाता है। जैसे कि आपको पता होगा बनारस, प्रयागराज और बहुत जगह है जो मैं जा चुका हूँ, हरिद्वार, तो वहाँ पे भी गंगा नदी बहती है, तो इसीलिए वो जगह का सुंदरता और ज़्यादा निखर के आता है। तो मेरे होम सिटी में भी रिवर महानदी फ्लो करता है, तो वो थोड़ा ब्यूटी में ऐड करता है। तो गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोशिश करेंगे कि ऐसे ही कंटिन्यूसली व्लॉग्स डालते जाए। अगर लॉकडाउन, शटडाउन या फिर बारिश वगैरह ना हो तो आपके लिए ऐसे साइकिल के ऊपर, हिमालयन के ऊपर व्लॉग्स आते रहेंगे। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो कर लो जाके, प्रतीक जैना, और वीडियो को अभी तक देखा है तो लाइक ज़रूर करके जाना, मोटिवेशन मिलता है। शेयर करो वीडियो को ताकि सब्सक्राइबर्स जल्दी जल्दी हमारा ग्रो करे, बहुत स्लो हो गए हैं बीच में। तो वही अभी 13 किलोमीटर्स चला चुका हूँ, तो अभी घर यहाँ से और 12-13 किलोमीटर्स होगा, तो 26 किलोमीटर्स जैसे का साइकिलिंग हो जाएगा आज बहुत दिन बाद। तो चलो फिर कभी और एक नया व्लॉग में मिलते हैं। टाटा, स्टे सेफ।